This video slash stream is sponsored by Trader Central. Trader Central provides funding for traders, spot cryptocurrency exchange services and access to trading tools like copy trade software, portfolio tracking and a social platform exclusive for communicating with trader friends. Sign up now using the link in the description and get up to 30% off on your first plan. बरिमिल्ल अलैक्म दोस्तों मैं हूं अयूब राना और आप देख रहे हैं ट्रेड ट्रैक आज की वीडियो में हम गोल्ड को 15 अप्रैल फ्राइडे के लिए एनालाइज करेंगे और ये गोल्ड का डेली का चार्ट है आज कोई ऐसा खास मूवमेंट नहीं होनी मार्केट में इसलिए मैं आपको मार्केट में कोई आज ट्रेड रिकमेंड नहीं कर रहा वैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि मार्केट में क्या सिचुएशन है और नेक्स्ट सैनारी क्या हो सकता है जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि मार्केट ने 1970 का ब्रेकआउट किया था डेली के चार्ट में 1970 जो है एक इंपॉर्टेंट लेवल था स्ट्रॉन्ग लेवल था अगर इसकी हम हिस्ट्री देखें तो ये हिस्ट्री में हमारे पास ये लेवल यहाँ से नाइनटीन सेवेंटी यहाँ से आया और जब मार्केट ने हिस्ट्री में इसे ब्रेक किया था उसके बाद दो कैंडल्स वापस इसके ऊपर क्लोज हुई और इसको टेस्ट किया और उसके बाद मार्केट छूट कर गई थी ठीक है अभी डेली के चार्ट में जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर है तो आप मार्केट को बुलिश ही ट्रेड करेंगे और जब तक मार्केट उन्नीस सौ सत्तर के नीचे डेली की कैनल क्लोज नहीं करती तो आपने इसको बेविस क्लोज़ नहीं करना क्योंकि अब अगर कल की कैनल देखें तो मार्केट नीचे नाइनटीन सिक्सटी तक आई जा सके मैंने आपको कल के एनालिसिस में बताया था लेकिन मार्केट ने क्लोजिंग ऊपर ही दी है और अभी मार्केट उन्नीस सौ सत्तर से ऊपर नाइनटीन सेवनटी से ऊपर है और इस तरह ये यहाँ पे सस्टेन कर करके ऊपर की तरफ नाइनटीन नाइनटी नाइनटीन नाइन्टी की तरफ जा सकती है नाइनटीन नाइन्टी पे हमारे पास ये बेविस इंगल्फिंग कैंडल है जो कि एज ए रेजिस्टेंस काम करेगी और अगर नाइनटीन नाइन्टी ब्रेक हुआ तो गोल्ड जो है उन्नीस सौ सतानवे वो दो तक जा सकता है ये जो है गोल्ड की डेली के चार्ट की सिचुएशन है अभी हम चलते हैं गोल्ड के चार घंटे के चार्ट की तरफ अभी अगर चार घंटे के चार्ट को हम देखें तो आप देख सकते हैं कि लास्ट जो तीन कैंडल्स हैं चार घंटे की बहुत छोटी छोटी कैंडल्स बनी हुई हैं क्यों इसकी वजह यह है कि इस टाइम जो हमारे पास अगर हम फंडामेंटल डेटा देखें तो न्यूज़ीलैंड की बैंक हॉलीडे है ऑस्ट्रेलिया की बैंक हॉलीडे है और हमारे पास यूरो की बैंक हॉलीडे है जी की बैंक हॉलीडे है सी की बैंक हॉलीडे है और कैड की बैंक हॉलीडे लेकिन फिर भी आपको चार घंटे के चार्ट का मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि चार घंटे के चार्ट में अगर हम इसको लेवल्स देखें तो लेवल्स हमारे पास ये हैं कि 1960 का ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे मार्केट ने अगेन यहाँ पे इसको टेस्ट किया और बुलेशल फिंग बनाई लेकिन 1974 की जो रेजिस्टेंस थी इसको मार्केट ब्रेक ना कर पाई ठीक है अब जब तक मार्केट 1974 के नीचे है तो ये मार्केट वापस है 1965 और 1960 की तरफ आ सकती है तो इसलिए अगर आपने 1960 से 1965 से बाय किया तो आप अभी क्लोज़ करें और प्रॉफिट बुकिंग कर लें क्योंकि अगर आपने दोबारा से रिस्क लेना ही है तो मार्केट दोबारा 1965 या 1960 के की तरफ आ सकती है तो नेक्स्ट ऑफ मंडे को दोबारा से यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं और 1974 सेवेंटी फोर का अगर ऊपर जब ब्रेकआउट हुआ तब भी आपने अभी मार्केट में जंप नहीं करना मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पर अगर हम देखें फिब बन लगाते हैं और इसमें हम टेंथ बेस्ड फीब लेवल लगाएंगे ये टेंथ बेस्ड ट्रेंड बेस्ड फीब है हमारे पास इसको अगर हम लगाएँ तो यहाँ से जो है मार्केट ऊपर जाना शुरू हुई थी यानी कि अठारह से यहाँ से मार्केट ने ऊपर का सफ़र शुरू किया था यूक्रेन रशिया की वाह के बाद और ये मार्केट ने अपना हाई लगाया था हमारे पास जी टू थाउजेंड और एटी के आसपास का ये हाई लगाने के बाद मार्केट नीचे आई थी हमारे पास ये हमारे पास मार्केट ने लो लगाया था जी न, एटीन एटी नाइन का अठारह सौ उन्यानवे का अगर इनके ल, इस फिब लेवल्स के मुताबिक हम मार्केट को देखें तो अभी जो है मार्केट अपनी कितने परसेंट एवटेजमेंट कर चुकी है और कितनी रहती है हम ये देख लेते हैं जी इन लेवल्स को हम इधर कर लेते हैं ताकि हमारे लेवल्स क्लियरली शो हो जाएं ठीक है अभी अगर आप मार्केट को देखें तो मार्केट जो है मार्केट का फिफ्टी परसेंट इटेस्टमेंट लेवल जो बनता है वो 19 आ, हमारे पास सॉरी नाइनटीन एटी के आसपास बनता है तो मार्केट जब ऊपर की तरफ आती है 1974 की रजिस्टेंस को ब्रेक करके तो 1980 के ऊपर भी मार्केट को आप बाय ना करें मैं तो ये आपको रिकमेंड करूंगा क्यों क्योंकि ये जो हमारे पास 50 एटेस्टमेंट लेवल है फिब का ये दोनों रिवर्सल लेवल हैं कि रिवर्सल लेवल एक तो 0.5 का एक 0.618 का अगर मार्केट नाइनटीन एटी के ऊपर चार घंटे की कैनल क्लोज करे तो आपने इसको बाई करना है और यहाँ से बाई करके आपका जो प्रॉफिट टारगेट होगा वो फिर टू थाउजेंड होगा टू थाउजेंड के ऊपर जो हमारे पास टू थाउजेंड सिक्स या टू थाउजेंड फाइव का लेवल निकल रहा है ये हमारे पास जीरो पॉइंट सिक्स वन निकल रहा है फिब का अगर मार्केट जीरो पॉइंट सिक्स वन फिब पे आती है यानी कि टू थाउजेंड या टू थाउजेंड सिक्स पे आती है यहाँ पे रिजेक्शन फेस करती है ये एक बहुत अच्छा व्यवस्था लेवल होता है और ये लॉस्ट लेवल होता है एडेसमेंट का इसके ऊपर जो है ट्रेंड दोबारा से वही हो जाता है जिस पुराने ट्रेंड से मार्केट वापस आई हो जाएगी क्योंकि ये रिप्लेसमेंट का लॉस लेवल है जीरो पॉइंट सिक्स वन मार्केट रिजेक्शन लेती है तो यहाँ से हमें बहुत अच्छी सेल मिल सकती है अगर इसके ऊपर चार घंटे की कैंडल क्लोज हो गई और इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो अगेन मार्केट वापस ऊपर की तरफ हमारे पास दो और दो की तरफ जा सकती है तो अभी हम क्या करेंगे कि दो हज़ार अस्सी के ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे और उसके बाद बाय करेंगे दो था दो हज़ार के लिए सॉरी उन्नीस सौ अस्सी के ब्रेकआउट का वेट करेंगे फिर 2000 के लिए बाय करेंगे और उसके बाद 2000 से हम 2005 के लेवल में सेलिंग तलाश करेंगे तो ये जो है चार घंटे के चार्ट में सिचुएशन बन रही है आज तो खैर मेरे ख्याल से कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली मार्केट में मूवमेंट भी नहीं होनी तो नेक्स्ट मिलेंगे वीकली एनालिसिस में और अगर आज की वीडियो को आपने देखा होगा स्टार्ट में हमारे पास एक स्पॉसरशिप है और हमें स्पॉन्सर किया ट्रेडर्स सेंट्रल ने अगर आप इस इनकी वेबसाइट पर जाएं तो आप इनके प्रोडक्ट्स में जाके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको फंडिंग्स के ऑप्शंस मौजूद हैं आप अगर फंडिंग लेना चाहें इनसे तो इनके रूल्स और रेगुलेशंस और टर्म्स एंड कंडीशंस देख सकते हैं उसके मुताबिक जो प्लान आपको सूट करे आप वो अडॉप्ट कर सकते हैं और इनसे फंडिंग ले सकते हैं नीचे लिंक गिवन है अगर आप मेरे लिंक से ज्वाइन करेंगे तो आपको थर्टी डिस्काउंट भी मिल सकता है सो गुड लक फॉर योर ट्रेड्स अल्लाह हाफिज़